हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डीपीएस के लिए वैकेंसीज है, याद रखिएगा। इसमें प्री प्राइमरी, पीआरटी और टीजीटी के अलावा कुछ और भी वैकेंसीज है। देखिए, इसमें अदर्स में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के, क्लर्क लेवल के रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी डीपीएस या फिर जो भी प्राइवेट स्कूल, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, अगर आप जॉब चाहते हो अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने आसपास में, तो नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें, ताकि जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट से रिक्रूटमेंट आए तो उसकी सूचना मैं दे पाऊं। बाय द वे, डीपीएस बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कूल है। यहाँ पे जो है वो अच्छे लोगों को हायर करते हैं। इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश स्पोकन अच्छा होना चाहिए, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है और एज सच आप जो है केवल तैयारी ही कर रहे हो, अगर आप टीजीटी या पीजीटी के लिए जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको स्कूल में पढ़ाना चाहिए। एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ाओगे, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में भी, अपनी तैयारी में भी, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट केवीएस और एनबीएस में भी काउंट होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। बाय द वे, यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। कोई भी इंटरव्यू या किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पे 47 जो ये सैलरी जो है 45,000 रुपए आपको दिख रही होगी। देखिए, ये जो सैलरी है बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप 4-5 साल से पढ़ा रहे हो, तो ये सैलरी जो है 60 के करीब भी जा सकती है, याद रखिएगा। इससे भी ज्यादा जा सकती है अगर आपके पास एकेडमिक में अगर आपने अच्छा जो परफॉर्मेंस दी है, या फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आपने जो है बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है एजुकेशन के सेक्टर में, तो ये सैलरी और भी ज्यादा हो सकती है, याद रखिएगा। अगर आप बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये फिर जो है इतनी सैलरी भी नहीं देते हैं। लेकिन डीपीएस में जो है 30,000 से कम की सैलरी नहीं होती है। तो चलिए, एकोमोडेशन फ्री है यहाँ पे, आपका रहना जो है फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आप दूसरे जगह से आते हो तो आपको जो है यहाँ पे रूम वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग वैकेंसी कहाँ से है और किस किस पोस्ट के लिए है। देखिए, सिचुएंट वैकेंट जो है यहाँ पे कुछ नंबर है, यहाँ से आप देख लीजिए। ये लैंडलाइन का नंबर है, ये मोबाइल नंबर है 9836123331, इस पे भी कॉल कर सकते हैं आप। दूसरा नंबर है 9874923500, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं आप। टीजीटी यानी कि 6 से लेकर के 9 तक के लिए रिक्रूटमेंट है। कौन कौन से सब्जेक्ट की? इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पीजी के साथ बीएड होना चाहिए और एक्सपीरियंस 5 साल का चाहिए। मैंने कहा ना, आप अच्छे स्कूल में जाओगे तो बिना एक्सपीरियंस के आपको ये हायर ही नहीं करेंगे। पीआरटी के लिए देख लीजिए, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और बंगाली के लिए रिक्रूटमेंट है। 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए। प्री प्राइमरी के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आप साथ में जो है एनटीटी वगैरह आपने कर रखा है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, या फिर माउंटेसरी जो है करके रखा है, डीएलएड करके रखा है, तो आप यहां पे जा सकते हैं। अब यहां से देख लीजिए कुछ और वैकेंसीज है, जैसे कि एडमिशन काउंसलर के लिए रिक्रूटमेंट है। ग्रेजुएशन से ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, यहां भी आपके लिए ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, नर्स के लिए रिक्रूटमेंट है, लैब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज की रिक्रूटमेंट है, स्टोर इंचार्ज की रिक्रूटमेंट है, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की रिक्रूटमेंट है। तो इनके हिसाब से आप जो है चीजों को देख सकते हैं। सैलरी कैसे मिलेगी आपको? सैलरी देखिए, आपके एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के आधार पर या फिर आपके एक्सपीरियंस के आधार पर मिलेगी। अब अपना सीवी जो है इनको भेज दीजिए, इनको जरूरत होगी तो ये डेफिनेटली आपको कॉल बैक करेंगे, आपका ईमेल पे आपको रिप्लाई देंगे, या फिर आपके मोबाइल नंबर पे आपको कॉल या फिर मैसेज किया जाएगा। hr@dpsbarasat.com, याद रखिएगा, फिर से मैं बता देता हूं ईमेल आईडी hr@dpsbarasat.com पे आपको भेज देना है। देखिए, यहां से आप देख पाएंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल BARASAT, यहां से रिक्रूटमेंट आई है। ये कहां पर है तो याद रखिएगा, ये जो है ये कोलकाता में आपको देखने को मिल जाएगा, North 24 परगना में आपको ये वैकेंसी जो है, टू बी प्रिसाइज, यहां से देखने को मिल जाएगा। तो मैंने ईमेल आईडी भी बता दी, वेबसाइट भी बता दी, यहां से आप वेबसाइट पर जाकर सिचुएंट जो वैकेंसी वगैरह आती है, रिक्रूटमेंट आती है, वहां सेक्शन में आप जाकर इसे देख सकते हैं, खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, जो भी कोलकाता या फिर कोलकाता के आसपास के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के आसपास के लोग हैं, जिनके पास अभी जॉब नहीं है और या फिर अपने जॉब को जो है अपडेट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। फिर से आप एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।